भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस वन में उपस्थित हुए हैं ये वन का नाम है काम्य वन। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते बोले पार्वती अगर ये काम्य वन में कोई आए यहाँ पर कोई आचमन करे विशेष करके वहाँ पर विमल कुंड है वहाँ पर श्री विमला कुंड है अगर यहाँ पर आचमन कोई करे यहाँ पर आए यहाँ की कथा सुने यहाँ पर धूल पर लौट पट उगाए। शंकर जी कहते पार्वती फिर उसको जगत में दो बार उसको जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ेगा वो सीधा भगवान को पास में जाएगा। इसलिए इसका नाम काम्यवन नाम क्यों पड़ा है कारण है कि यहाँ पर जो मूल काम है भागवत में बताया जो मूल काम किया है बोले कृष्ण का प्रेम को ही यहाँ पर काम बताया गया। जैसे गोपियों ने कृष्ण को कैसे प्राप्त किया बोले काम के द्वारा ही कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया इसलिए प्रेम को ही यहाँ पर काम कहते हैं। इसलिए काम्यवन मतलब होता है जहाँ पर कृष्ण अपना सारे कामना वासनाओं को यहाँ पर उन्होंने पूरी किया है। इसलिए कृष्ण का कामना वासना क्या है कृष्ण का जैसे विशेष करके कृष्ण का तीन तरह का कामना है बा तीन उनकी विशेष लीला है उनका सख्य रस का लीला है उनकी बात्सल रस की लीला है और उनकी मधुर रस की लीला है उनका तीन ये काम है। इसलिए कृष्ण यहीं पर अभी जहाँ पर भोजन थाली आप लोगों ने दर्शन किया है कहते कृष्ण जब सखाओं को साथ में यहाँ पर गोचारण करते करते कृष्ण आते थे वहीं पर ही बैठ करके उन्होंने भोजन किया था। आप देख रहे एक एक थाली बन गया है कहते पहले किसी राजकुमारी ने कभी भगवान से प्रार्थना किया था बोले प्रभु एक दिन हमारे ऊपर में बैठ करके अब हम भोजन करना। इसलिए मानो यहाँ पर तो बहुत स्थान था पर कृष्ण वहीं पर क्यों बैठे कारण है किसी राजकुमारी ने भगवान को आराधना की थी बोले मेरे ऊपर में बैठ करके आप भोजन करना इसलिए कृष्ण आकर के सखाओं को साथ में वहीं पर बैठे और बैठ करके कृष्ण वहीं पर उन्होंने भजन किया था और सखाओं को साथ में लीला किया। अभी जो कुंड देखा कुंड का नाम क्या है क्षीर सागर है कहते यहीं पर कभी ब्रह्मा जी पितामह ब्रह्मा जी जो कृष्ण के जो सखा और बछड़े को जब सखाओं के साथ में बैठ कर कलेवा कर रहे थे इतने में ब्रह्मा जी जब उन्होंने अघास रूप वध किया था अघास रूप जब वध किए इतने में सारे देवता लोग को जयकार लगाए बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। अभी ये धीरे 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 जब ये ब्रह्म लोक में पहुंचा ब्रह्मा जी देखने आए भैया इतने जय जयकार क्यों हो रहा है क्या बात है आकर के देखा कृष्ण इतना विशाल उन्होंने अघासुर को उन्होंने वध किया इतना नहीं उसकी ज्योति आकर के कृष्ण का शरीर में प्रवेश कर गया। बोले भैया ये बच्चा एक और जिसमें ब्रह्म ज्योति भी जिनकी शरीर में समा गया इसलिए कृष्ण की और थोड़ा आगे लीला दर्शन करने के लिए उन्होंने कृष्ण के बछड़े और उन्हें सखाओं को कभी उन्होंने चुराया था कभी ये भी स्थान वहां पर भी है कभी कभी किसी कल्प में यहाँ पर भी उन्होंने लीला की है। अब ब्रह्मा जी को जो पता चला कृष्ण कौन है ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम जब उन्होंने पता चला ब्रह्मा जी है तो उन्होंने कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कितने स्तुति कितने वंदना की लेकिन कृष्ण खुश नहीं हो रहे थे बोले कृष्ण को इतने महिमा गाए तभी खुश नहीं हो रहे बोले थोड़ी सी ब्रजवासियों का महिमा गा करके देखता हूँ। जब उन्होंने बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज कसम जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। जो बोले ये ब्रजवासियों ने ऐसे कौन सा पुण्य की जो पूर्ण ब्रह्म सनातन विग्रह की सखा बन गए और यहाँ पर कृष्ण सभी को झूठन गा रहे हैं
पहले सखा लोग मालपुआ लाए, बोले कन्हैया मेरे मैया बड़े सुंदर मालपुआ दियो है, बोले सारे अकेले खाओगे, इसलिए कृष्ण सबसे सबको झूठा ने कृष्ण कहा रहे थे, इसलिए बोले उन लोगों ने ऐसे कौन सा सौभाग्य किया है जो कृष्ण परम परम परात परम तत्व होते हुए भी इनके सखाओं का सखा मैया की लाला और गोपियों की प्रियता बन गए। फिर तो कृष्ण मुस्कुराए, पता चला कृष्ण का कमजोरी कहाँ, कमजोरी कहाँ पर है। कृष्ण शिक्षा देते हैं, मेरी स्तुति स्तव करने से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, ज्यादा संतुष्ट होता हूँ मेरे भक्तों की सेवा से ज्यादा संतुष्ट होता हूँ। तभी उन्होंने यहाँ पर भी उन्होंने ये लीला कभी कृष्ण की है, यही पर ही कृष्ण की जो काम्य वन में ये कौन सा स्थान है, कल ये उनके ननिहाल है, किसी कृष्ण का ये ननिहाल है, मैया जसोदा का ये स्थान है। इसलिए यह कृष्ण हर तरह का कृष्ण, उनकी बात्सल रस की लीला, उनकी सख्य रस की लीला और उनकी मधुर रस की लीला, सारे कृष्ण लीला यहीं पर उन्होंने किए हैं। यहीं पर कृष्ण रहते समय यहाँ पर सतुबंध रामेश्वर भी यहाँ पर है, कृष्ण एक दिन लीला कर रहे थे, इतने में कृष्ण सखाओं को कहा, सखाओं तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, बोले हम जानते नंद की लाला मैया जसोदा की लाला हो, मक्खन चोर, बोले तुम लोग क्या जानते हो है। इतने में बोले मैं साधारण नहीं, गोपियां भी बोले, जब बोले गोपियां मैं कौन हूँ, बोले तुम तो मक्खन चोर हमारे साथ लीला करते हो, बोले तुम ग्वालिनिया तुम हमें क्या जानते हो, बोले मोही मैं ही वही तृतीया युग में रामचंद्र हूँ, हाँ वही मैं भगवान हूँ, अनंत पद्मनाभ में हूँ, बोले तुम्हारा डीघ हकना तेरे स्वभाव है, हर समय बोलते रहो हम ये है। तब गोपियों ने कहा अगर तुम तृतीया युग में अगर तुम वही राम थे, उन्होंने तो सेतुबंध बांध दिया था समुद्र में, या बांध करके दिखा सकते हो, बोले जरूर दिखा सकता हूँ। इतने में कृष्ण सारे बंदर को उन्होंने स्मरण करते ही पता नहीं कहाँ से सारे बंदर आ गए, बंदर आकर के बोले यहाँ पर एक सेतु बांध दो, पता नहीं कहाँ से बड़े बड़े पत्थर लाए और पत्थर ला करके उन्होंने पूरा सेतु बंद बांध दिया। यहाँ पर जब हम पहले गुरु जी को साथ में आते थे, जब यहाँ रहते थे तब हम लोग करके 3 दिन यहाँ रहते थे, यहाँ पर 84 कुंड है, 84 खंभा है, यहाँ पर पृथ्वी का सारे तीर्थ यहीं पर विद्यमान, सबके सब तीर्थ यहीं पर काम्य वन में विद्यमान है। इसलिए उन्होंने सेतुबंध पूरा सेतुबंध बंध दिया, हम लोग जाते थे और वहां पर लंका भी है, हैं? वहां पर अशोक वाटिका है, लेकिन हम लोग के पास में समय नहीं होने का नाते हम लोग नहीं जा पाते। कुछ दिन पहले हमारे कुछ भक्त लोग आए थे यहाँ पर, हम लोग चलते चलते लंका चले गए, वहां पर अभी भी लंका है, अशोक वाटिका वहां पर बड़े सुंदर मनोरम स्थान है, माँ सीता की वहां पर मूर्ति है, हैं? हनुमान जी का मूर्ति, भगवान राम लक्ष्मण सीता जी की वहां पर मूर्ति। इसलिए पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है ना, ये सबके सब श्री काम्य वन में सबके सब यहीं पर विद्यमान है। इसलिए वहां पर भी जहाँ पर पांडव लोग जब उनको वनवास हो गया, पांडव लोग भी इस काम्य वन में, ये पांडव लोग भी यहीं पर थे, वहां पर धर्म कुंड है धर्म कुंड, जिस समय द्रौपदी की प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा हो रही है, वहां पर एक एक भाइयों को भेजे, पहले तो गया भीम, इतने में प्रश्न किया, बोले सावधान यहाँ पानी नहीं पी सकते हो, बोले तू कौन, निकला कि बगुला, बोले बगुला का बात सुनकर मेरे पानी नहीं पीऊंगा, बोले खबरदार आदेश का उल्लंघन करोगे तो मृत्यु मुख में गिरना पड़ेगा। उनने जोर जबरदस्ती पीने के लिए गए तो वहीं पर भीम बेहोश हो गए, वहां पर अर्जुन नकुल सहदेव सबके सब बेहोश हो गए, लेकिन जब श्री युधिष्ठिर महाराज आए फिर प्रश्न किया, बोले सावधान ये सरोवर मेरी है, बगैर आदेश के ये पानी नहीं पी सकते हो, इसलिए पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो चार भाई जैसे मृत्यु मुख में पड़े तुम भी ऐसे मृत्यु मुख में पड़ोगे। लेकिन उनका नाम है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर मतलब क्या, युद्ध अवस्था में भी जो स्थिर रहते हैं ये श्री युधिष्ठिर। उन्होंने बहुत सारे उनको प्रश्न किया है, उनका पहला प्रश्न था जगत में है, जगत में सुखी कौन है, बोले अरिणी अप्रवास, जो जगत में किसका कोई ऋणी नहीं हो, जगत में कोई किसकी ऋणी नहीं हो, क्यों, ऋणी लेने पर दिन भर दिमाग में लगा रहता है, भैया उसको ऋणी चुकाना पड़ेगा, ऋणी चुकाना पड़ेगा। अरिणी अप्रवास, अप्रवास मतलब है जो दूसरे के घर में नहीं रह करके जो अपना घर में रहते हैं, कहते जगत में वही सुखी है। अभी प्रश्न कर रहे हैं वास्तव रूप में ऋणी कौन नहीं, जगत में सबके सब ऋणी है, जगत में जन्म लो तो सबको 5 तरह का ऋणी में आबद्ध होना पड़ता है, कहते हैं कि देवर्षि देवताओं का ऋणी है,
पिता माता का ऋणी है, परिवारों का ऋणी है, देवता का ऋणी है, राजा ऋणी, सबको तो ऋणी लेना पड़ता है। जगत में कौन ऋणी नहीं, सबके सब ऋणी है। लेकिन भागवत में बताया वही व्यक्ति केवल ऋणी से मुक्त हो सकता है। कहते पिता माता की हम इतने ऋणी है, करोड़ों जन्म में भी हम पिता माता के ऋणी से हम ऋणी नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। लेकिन वास्तव रूप में सारे ऋणी से मुक्त कौन हो जाते हैं? बोले देवर्षि भूताप तन ऋणाम पितृणाम नाय मिणि चराजन सर्वात्मना जो शरणम शरणम गत मुकुंदम परिहर्त कर्तव्य। वही व्यक्ति संपूर्ण ऋणी से मुक्त होते हैं जो भगवान की भजन में आ जाते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्तयिष्यामि मां शुचः। इसलिए जो व्यक्ति सारे धर्म को छोड़ करके, इसलिए जो लोग बाबा बन गए ना, साधु संत बन गए, कभी कभी कोई कहते हैं पिता माता ने जन्म दिया, उन्होंने पिता माता का सेवा नहीं किया, किसका सेवा नहीं किया, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, है तुम्हारी ऋणी से कौन मुक्त करेगा? लेकिन भागवत कहता है यही लोग वास्तव रूप में सारे ऋणी से अगर कोई मुक्त है ना, ये साधु लोग ही मुक्त है। क्यों? बोले भगवान की शरण में जब हम आ जाते हैं, जो विश्व ब्रह्मांड जिनसे ऋणी लिए हैं, जब इनकी शरण में आ जाते हैं, वही व्यक्ति केवल सारे ऋणी से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो दुनिया में कोई भी मुक्त नहीं हो सकते। बोले अप्रवास, कहते जो कभी बाहर नहीं रहे, घर में रहे, बोले अपना वास्तव घर कहाँ है, हमारे असली घर कहाँ है, हमारी असली घर ठाकुर जी की चरण में ही हमारी असली घर है, हम तो रिफ्यूज हो करके कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपवतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब तक मेरे पास में जीव नहीं आते हैं तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्कर में भटकते रहते हैं, लेकिन जब जीव मेरे शरण में आ जाते हैं फिर जगत में जन्म उसको नहीं ग्रहण करना पड़ता है, हमारा असली घर ठाकुर जी की चरण में। इसलिए उसका फिर दूसरा प्रश्न था, क्या प्रश्न था, क्या प्रश्न था, जगत में किम आश्चर्य, जगत में सबसे बड़े आश्चर्य किया जगत में, तो उन्होंने उत्तर दिया है इसलिए अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जम मंदिरम। जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य है हमसे जो छोटे थे ना वो तो चले गए, लेकिन हम क्या सोचते हैं, वो मर गया मर गया, हम थोड़ी मरेंगे, कोई सोचता है मर गए, कोई सोचता है एक दिन मरना पड़ेगा हमको, जगत में कोई नहीं सोचता है हमें मरना पड़ेगा। इसलिए जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है, कोई जीव सोचता नहीं कभी मेरे को मरना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और तीसरा प्रश्न क्या था, जगत में का पंथा, जगत में वास्तव रूप में पथ किया है, हैं? बोले श्रुति विवरण स्मृत विवरण नासो मुनिर्जस मतम न भिन्नम धर्म सतत्व निहित हुआयाम महाजन जन गत सपंथा। श्रुति अलग अलग, स्मृति अलग अलग, जगत में ऐसे कोई ऋषि जन्म नहीं लिए जिनका मत अलग नहीं, लेकिन वास्तव रूप में जो धर्म तत्व है वो बड़ा रहस्यमय, वो गोपनीय है। इसलिए केवल एक ही रास्ता है महाजन जन गत पंथा, हमारे जो महाजन लोग जिस रास्ता में गए, बोले महाजन कौन है, ये जब महाराज कहते हैं पार महाजन, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जलद भीष्म बलि व्यासकी और जब महाराज कहते हैं मैं, ये जो बाहर महाजन हैं और इनको मार्गों को जिन लोगों ने अपनाया वो लोग सबके सब महाजन, इनकी रास्ता ही वास्तव रास्ता है। ये सब घटना वहां पर जब जाएगी, बहुत सारी घटना यहीं पर हुई, यहीं पर गोमासुर का गुफा है कृष्ण जब सखा को साथ में यहीं पर गोचारण कर रहे थे, गोमासुर ने क्या किया, एक सखा का रूप धारण कर लिया, सखा रूप धारण करते हुए उसने एक एक बच्चे को उठा उठा करके लेकर के वो गुफा में है, वो गुफा में लेकर बंद कर देता था। कृष्ण ने देखा मेरे एक एक सखा कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे एक एक कहीं गायब होते जा रहा है। इतने में से बलदेव कृष्ण ने देखा ये बच्चा, ये व्यक्ति कहाँ ले जा रहे, सखाओं को देखा लेकर के वो गुफा में बंद कर रहा है। इतने में कृष्ण उसको पकड़ करके जब उसको मारने के लिए गए, ये पृथ्वी डगमगाने लग गई। हम जाएंगे जहां पर श्री बलदेव प्रभु का अभी भी चरण चिन्ह
उन्होंने अपना चरण से, क्योंकि बलदेव प्रभु पृथ्वी का अधिष्ठात्री देवता, उन्होंने अपना चरण से उन्होंने पृथ्वी को उन्हें पकड़े हैं जब डगमगा रहा था। इतने में कृष्ण उन्होंने और राक्षस को कृष्ण ने वध किया। इसलिए जो काम्य बहन है यहाँ पर बहुत बहुत लीला, अभी तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, गोविंद देव जाएंगे, लुगलुग की कुंड जाएंगे, गोविंद मदन मोहन जाएंगे, बहुत सारी जगह जाएंगे। इसलिए हम लोग ये काम्य बहन में आए हैं जहाँ पर प्राकृत और अप्राकृत जितने सारे काम है, जहाँ पर आने पर सारे कामना वासना यहाँ पर पूरी होती है। और भगवत प्रेम जीवन में असली जो काम है भगवान की प्रेम व भगवान की भक्ति, जहाँ पर लाभ होता है। इसलिए हम बड़े भाग्यवान हैं जो वन महाराज के उत्साह से हम लोग आए। वन महाराज बोले कितना सुंदर काम्य बने, हम काम्य बन नहीं जाएंगे। इसलिए महाराज कल से दो दिन से महाराज नींद नहीं, सवेरे उठ करके खाना पीना बनाना ले जाना। इसलिए वन महाराज की चंद्राय राधिका तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ब्रजमंडल 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए, ये काम भवन द्वादश वन की ये चतुर्थ वन बताया जाता है। कितने वन? द्वादश वन, द्वादश माने 13 और 5 14, कितना है बताओ? अच्छा 12 है, हम भूल जाते हो ना। ये द्वादश वन के अंतर्गत जो है ये चतुर्थ वन मनाया जाता है। इस वन के यदि परिक्रमा नहीं करे व इस वन पे नहीं आवे तो आपके वास्तव रूप में ब्रजमंडल परिक्रमा पूरा नहीं होगी, क्योंकि ये विशेष वन है। अभी अभी आप लोग विशेष करके यहाँ पर माँ जशोदा की पितरालय माना जाता है। क्या पितरालय माने? बिहार। क्या बोला? बिहार। तुम्हारे बिहार कहाँ है? शब्द निष्पन्न है, संस्कृत में जितने प्रकार की शब्द है समस्त शब्द की निष्कर्ष बार निकालते हैं धातु से, कम धातु, कम धातु से रामानाम काम ही वो मित्त भी दी होती। गोपियों के जो काम जो है वो वास्तव रूप में अपराकृत दिव्य काम है, किसी प्रकार जोड़ी काम नहीं है। इस संसार में युवक युवती व स्त्री पुरुष की पुरुष के विराज गोस्वामी पर चैतन्य चैतामृत में काम और प्रेम के परिभाषा दिया। परिभाषा समझते नहीं, डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ लास्ट एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन जहाँ पर रहता है उसके कहा जाता है काम कहा जाता है। किंतु अपराकृत चित जगत में कृष्ण और गोपियों के साथ जो मिलन है वो क्या है? अपराकृत कहा जाता है। केवल कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्य छोड़कर के कुछ नहीं, कृष्ण गोपियां जो कुछ भी करती है सब कृष्ण के सुख देने के लिए, इंद्रिय आदि के सुख देने के लिए। इसलिए गोपी गीत में भी लिखा गया, गोपी गीत में अंतिम श्लोक जो है जत्ते सुजात चरणामुज वह स्तने सुभीता सनि, देखो गोपियां अपने कठोर वक्षस्थल पर स्तन पर कृष्ण के सुंदर चरण कमल के रखने की भी वो लोग डरती है। इसलिए ना जाने कृष्ण के चरण कमल में कहीं हमारे अंग की जो है लगने पर उनके कृष्ण के कष्ट न हो जाए। देखो ऐसी प्रकार गोपियों की मनोवासना क्रिया है। इसलिए शास्त्र में कहता है प्रेम ही वह गोपाल अमरान काम ही वह मित्र भी दियाते, यही जो है यथार्थ काम है। यहाँ पर आने पर समस्त प्रकार के आपके कामना वासना भी पूर्ति हो जाए। और कृष्ण यहाँ पर रह करके अनेक प्रकार लीला आदि की, ये काम्बवन की विशेष वैशिष्ट है। कई कई लोग इसके कहा जाता है वृंदावन कहते हैं, किंतु हमारे से गुरुदेव हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग उस तत्व के खंडन करते हैं, बोले नहीं वृंदावन यहाँ पर चीरघाट नहीं है, यहाँ पर निकट में जमुना नहीं है। इसलिए यद्यपि यहाँ पर पंडा लोग व यहाँ का लोग कहा जाते हैं ये वृंदावन कहते हैं, किंतु ये वृंदावन नहीं है। वृंदावन तो एक ही है, वो जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं रूप सनातन मठ में आप लोग रह रहे हैं, जमुना किनारे में जहाँ पर चीरघाट है, जमुना देवी है, ये सब वृंदावन यहाँ पर। तथापि कृष्ण जो है यहाँ पर अनेक प्रकार लीला आदि की, कृष्ण के यहाँ पर क्या बोले कैसर विलास की विशेष भी प्राधान्य में दिखाया गया। कृष्ण यहाँ पर गोचारण आदि करते थे और सखाओं के साथ अनेक प्रकार विविध लीला आदि करते थे, और कभी कभी गोपियों के साथ यहाँ पर भी माधुर्य लीला आदि प्रकाश करते थे। ये कामवन की विशेष वैशिष्ट्य दिखा,
देखो ब्रज ब्रज की जितने भी क्या बोले लीलाएं हैं, यहाँ पर सब कुछ है। पर यहाँ पर आप लोग दर्शन करेंगे, यहाँ पर चौस क्या बोले कितने खम्मा है, 84 खम्मा भी है, ये समस्त स्थान है। देखो और एक बात बताता हूँ, हम लोग इस विशेष करके इस वन में आने की तात्पर्य है वृंदावन की दर्शन करना। वृंदावन के नाम से वृंदावन प्रसिद्ध है, किंतु देखो हमारे मुसलमान औरंगजेब क्या कि यही जो है इसके समय केवल दीपावली के समय, उस समय वो आगरा में रहते थे, उसके राजधानी आगरा था, आगरा दिल्ली है, उस समय आगरा में वो रहने लगे। और दीपावली के समय हिंदू के जितने भी मंदिर जो है दीपावली के द्वारा सजाया गया था, उसको देख करके हिंदू हिंदू विद्वेषी दुष्ट मुसलमान राजन क्या नाम है औरंगजेब, उन्होंने अपने मंत्री और अपने लोगों के बताया, बोले देखो उधर तरफ इतने उजाला क्यों है। तो अब उन्हें बताया आज हिंदू के एक विशेष पर्व है, इस जिस पर्व में जो वह सब हिंदू लोग अपने मंदिर मठ मंदिर जितने भी है सबके दीप के द्वारा सजा गया। देखो वो मुसलमान राजा औरंगजेब क्या की मंत्री को और सेना को आदेश दिया, जाओ रात ही रात अभी जाओ जा करके हिंदू के सारे मंदिर के तोड़ दो। और इसी समाचार पाते ही जयपुर के राजा मान सिंह उन्होंने किया कि जल्दी जल्दी यह पर आए वृंदावन में आकर के वृंदावन के विशेष करके 6 मूर्तियां को लेकर के चलने लगे, विशेष करके बज्रनाभ के प्रतिष्ठित जितने भी मूर्तियां है गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन और विशेष करके जो है और वृंदा देवी और एक मूर्ति लिया राधा विनोदी का, ये 6 मूर्तियों को बैल के गाड़ी में बैठ करके रातों रात उन्होंने लेकर के आए और यहीं पर आकर के कुछ समय विश्राम किया था। देखो सारे मूर्तियां तो फिर प्रातः काल में वो जयपुर के लिए प्रस्थान किया, किंतु देखो आश्चर्य की बात है यहाँ पर जब आए तो उस समय साक्षात वृंदा देवी उनको आदेश दिया, देखो ये वृंदावन मेरा नित्य धाम है, राधा कृष्ण के लीला ललाम भूमि है, ये वृंदावन छोड़ करके ब्रजचौरासी को छोड़ करके हम कहीं नहीं जाते, हम यहीं पर रहेंगे। उसी समय उन्होंने कहा कि यहाँ पर वृंदा देवी को रख करके और 5 जो मूर्तियां लेकर के जयपुर चले गए। तो ये जो है देखो हमारे सारे जगह में आप और जगह में मूर्तियां तो प्रतिमा मूर्ति भी देखा देखेंगे आप लोग, किंतु यही एक स्थान है यथार्थ रूप में यह पर साक्षात वृंदा देवी विराजमान है। हम लोग वृंदा देवी के मंदिर में हम लोग जाएंगे, वृंदा देवी के दर्शन करेंगे। देखो उसी लीला को स्मरण करने के लिए श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज उन्होंने किया कि रूप सनातन गौड़िया मठ में वृंदा देवी के विग्रह प्रकाशित किया, साक्षात गुरुदेव की भी आदेश ही, ये देखो आम इस वृंदावन में आपके मठ में मैं रहना चाहती हूँ, इसलिए गुरुदेव देखो राधा कृष्ण विग्रह भी प्रकाश किया और पेशाल करके वृंदा देवी के मूर्ति भी वहीं पर रखा गया है, इसलिए सारे ब्रजमंडल में आप घूमेंगे 2 जगह में वृंदा देवी की श्रीमूर्ति आपको दर्शन होंगे। एक तो ये ब्रजनाभ के प्रतिष्ठित ब्रजनाभ कौन थे, कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने ये मूर्ति बनाया और देखो ये मूर्ति साक्षात जो वृंदा देवी यहाँ पर रहने लगी और उसी लीला को स्मरण करते हुए गुरुदेव रूप सनातन गौड़ी मठ में वृंदा देवी के विग्रह प्रकाशित किया और किसी मंदिर में आपको देखा नहीं होगा। इसके बाद जो है गुरुदेव के देख करके कुछ कुछ लोग जो है वृंदा देवी मूर्ति को जो है अपने अपने स्थान में प्रकाशित किया, वो दूसरी बात है, किंतु ये ओरिजिन वृंदा देवी के विग्रह है। यहाँ पर वृंदा देवी अभी का विराजमान है, यहाँ पर कृष्ण के अनेकों लीलाओं के बारे में आपने श्रवण किया, महाराजी सारे कुछ बता दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, मैं सोचा था छोड़ दे कुछ, एक भी छोड़े नहीं है, तो तथापि उनके उचित में 2 एक कहीं छोड़ दिया उसके बारे में बताता हूँ। जैसे यहाँ पर पांडव लोग 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास रहने के लिए उनकी यहाँ पर व्यवस्था किया गया। देखो जहाँ पर यहाँ पर पांडव लोग यहाँ पर रहने लगे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। देखो यहाँ पर पांडव लोग जब विमला कुंड के आसपास पांडव लोग जब रहने लगे
और उस समय दुर्योधन पांडवों के चिढ़ाने के लिए, चिढ़ाना समझते हैं, ये देखो तुम्हारे राज्य हम सब हड़प लिया, यहाँ तक भी तुम्हारे पत्नी द्रौपदी के हम लोग इतने लंचना दिया, और तुम लोग इतने बलवान हो के हुए पर भी कैसे भिखारी के भांति बिना भोजन हुए ये कैसे रहते हो, देखो हम कैसे रहते। लोग आजकल कहते हैं भगवान के भजन करके क्या होगा, जो लोग भगवान के भजन नहीं करते हैं वो ठाट बाट से रहते हैं, और जो भगवान के भजन करते हैं वो भिखारी के भांति रहते हैं। इसी प्रकार दुर्योधन पांडवों के चिढ़ाने के लिए उसी स्थान पर क्या किए, विशाल एक सुंदर स्थान बनाया और बना के टेंट बना करके वहीं पर रहने लगे, कुछ दिन तक रहने लगे, अनेक प्रकार के भोजन की व्यवस्था आदि करने लगे, विशेष करके लड्डू कचौड़ी पकवान आदि अनेक प्रकार के सुगंधयुक्त सुमिष्ट स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की, और भोजन करके वहीं पर वो लोग रहने लगे। विशेष करके आप लोग जानते हैं भीम जो है थोड़ी सी कहीं पर सुगंध भोजन के सुगंध आ जाए वो तो बिल्कुल जो है रह नहीं पाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। इसलिए देखो विशेष करके भीम के चिढ़ाने के लिए ये लोग दुर्योधन आदि के यहाँ पर अनेक प्रकार सुगंध स्वादिष्ट सुनिष्ट भोजन आदि व्यवस्था के सुगंध चरित्र फैला दिया, और क्या करते थे रात में जो है रात्रि काल में दुर्योधन आदि ये समझ दुष्ट अनेक प्रकार नृत्य आदि गान आदि करने लगे। और तात्पर्य क्या है, देखो तुम लोग कैसे यहाँ पर है और हम कहाँ पर ठाट बाट से रह रहे। देखो एक दिन क्या हो गया, रात में जो है कौन सा गंधर्व थे, चित्रसेन के बेटी यहाँ पर जो है यहाँ पर जा रही थी, और उसके सौंदर्य माधुर्य देख करके दुर्योधन दुशासन कर्ण आदि उनके प्रति कुदृष्टि प्रचार कुदृष्टि करने लगे आशोजी, और उस समय क्या की उनके साथ दुर्व्यवहार की, विशेष करके दुर्योधन उनके प्रति अनेकों दुर्व्यवहार करने लगे। ऐसे जब करने लगे वो उन्होंने क्या की चित्रसेन के बेटी जा करके अपने अस्पताल के समाज में उन्होंने नालिश कर दिया, और उस समय चित्रसेन ने किया कि इन लोग के दंड देंगे, जो लोग स्त्रियों के ऊपर पूर्ण नजर रखते हैं शास्त्र में कहा गया वो क्या है दुराचारी है, दुराचारी नहीं है शास्त्र में लिखा गया उसको क्या कहा जाता है, जो छह प्रकार के जो लोग होते हैं उसको देखने ही मार देना चाहिए, शास्त्र में ऐसे विधान है, मैं नाम भूलते जा रहा हूँ, आतोताई कहा जाता है, आपने आज याद दिला दी, आतोताई कहा जाता है टेरिस आसमानी परा स्त्री के प्रति को नजर रखने वाले वो क्या है आतोताई है, वो आतोताई के क्या करना चाहिए उसके देखते ही मार देना, गोली मार देना चाहिए, शास्त्र में ऐसे लिखा है आसमानी। तो उन्होंने जब किया तो चित्रसेन ने क्या की अपने सेनाओं के लेकर के दुर्योधन और उनके चारी तरफ बंदी बनाया, क्योंकि उस समय ये लोग नित्य गीत करके अच्छी तरफ से शराब पी लिया था, इतने शराब पी लिया ना उनके देह में कोई भेद नहीं, देह में कोई ज्ञान हुदबुद नहीं था, और इस समय ये चित्रसेन आदि अपने सेनाओं के लेकर के बंदी बना लिया, किसको दुर्योधन को बंदी बना लिया, बंदी बना के अपने समाज में ले गए, समाज में लेकर के सभी कहने लगे दुर्योधन के क्या दंड दिया जाए, उसके एक पेड़ के पेड़ से उसको चारी तरफ रस्सी दे करके बांध दिया इसको मारना चाहिए। देखो उस समय दुर्योधन के दिया देह रक्षी समझते कि नहीं, अंग रक्षक जिसको कहा जाता है बॉडीगार्ड, उस समय दुर्योधन के बॉडीगार्ड दौड़ते दौड़ते पांडव के पास आ गए, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अपने पांचों भाई द्रुप के साथ विराजमान थे, आकर के ये समाचार दिया देखो ये चित्रसेन और ये लोग ने किया कि दुर्योधन के बंदी बनाया उसके मारने के लिए प्रयास कर रहे। इस कथा सुनते ही देखो युधिष्ठिर महाराज कैसे दयालु है, युधिष्ठिर महाराज कहने लगे भाइयों इससे लिए हम लोग कुछ व्यवस्था करने पर, उसके सुन करके भीम बहुत बिगड़ गए, मारने दे उनको तो उस समय युधिष्ठिर महाराज कहने लगे देखो
हम लोग पांच है और ये हमारे भी भाई है। भाई किसी प्रकार से जो है वो विपद हो, हम लोग सब उनके सहायता करेंगे। वो शत्रु हो सकते हैं किंतु शत्रु के निकट हम लोग सब एक होकर के जले। किंतु ये लोग मानेंगे तो या तथापि युधिष्ठिर महाराज करने लगे, हे भीम मेरा बात सुनो, अभी जाकर के उन लोग दुर्योधन के मुक्त कराओ। और उस समय युधिष्ठिर महाराज के आदेश प्राप्त करके अर्जुन और भीम जो गए। और उस समय सभा चल रही, चित्रसेन अपने गंधर्व आदि लेके सभा कर रहे थे। और उस समय भीम ने अर्जुन ने क्या की, ऐसे तीर आदि दे करके सबको मानव बंदी बनाया। और उस समय उन्होंने क्या करना चाहिए, तो उस समय ये कह रहे हैं ये क्या करना है, बोले नहीं इसको छोड़ देना चाहिए, है ये हमारे भाई है, है? तो इतने समय है देखो कर्ण तो मूर्छित हुए पड़े हुए थे, शराब ज्यादा पी लिया ना, और फिर इनको भी बंदी छुड़ाया और लेकर गए। और दुर्योधन इतने दुष्ट जो है, देखो पांचों पांडव विशेष करके भीम और अर्जुन इनको बंदी से मुक्त कराया, किंतु आकर के बहुत गुस्सा हो गया। सांप के कभी दूध पिलाना नहीं चाहिए, है कहते हैं ना सांप के दूध पिलाओ तो आपके एक दिन डांसेगा। तो उसी प्रकार दुर्योधन क्या हो गया और भी करने लगे, देखो इसने तुम क्यों हमारे पास भेजा, माने हमको बंदी से क्यों नहीं मुक्त कराया, ये भी हम प्रतिशोध लेंगे। देखो उनके मुक्त कराया और वो भी, यहाँ तक भी महाभारत में वर्णन है, दुर्योधन ने क्या की अपने देह रक्षक ऐसा बड़ी गार्ड के उनके बोले हमारे साथ युद्ध करो, हाँ। तुम्हारे शत्रु के पास चले गए हमें बचाने के लिए, मर जाते किंतु तुम हमारे शत्रु पांडव के पास क्यों किया। और देखो उन्होंने क्या की, दुर्योधन ने की उनके साथ युद्ध किया, मैंने अपने बॉडी गार्ड के साथ उनके भी मार डाला, है देखना महाभारत में, आप वो टीवी में देखना, ऐसे दुष्ट जो है यहाँ तक भी एक भी है पर पांडव लोग जब रहने लगे, एक बार क्या कि ना बलदेव प्रभु सर्वत्र भ्रमण करते करते हस्तिनापुर में पधारे, दुर्वासा ऋषि भ्रमण करते करते एक बार हस्तिनापुर में आ गए। और देखते ही दुर्योधन आदि बहुत गुस्सा में, साधु क्यों हमारे पास है, किंतु देखो शकुनी कहने लगे भंजे, अरे देखो साधु का अपमानना मत करो, और ये दुर्वासा ऋषि और इसके द्वारा ही हम काम उठा लेते हैं, ए भंजे काम सुनो और क्या करना है, देखो दुर्वासा ऋषि के अच्छी तरह से खिलाफ लाभ उसके चरण दबा और दुर्वासा जी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न हो जाने के बाद उसके एक बार मांग लेना, क्या बार, ये गुरुवार आप तो हमारे पास आए हैं, हम भी आपके कुछ सेवा करनी पाए यथार्थ रूप में, आप जो है देखो हमारे भाई लोग जो है विशेष करके पांडव लोग जो है काम वन में अभी रह रहे हैं, आप वहीं पर जाइए उनके भी निमंत्रण स्वीकार करें। दुर्वास किंतु ऐसे करें दुर्वास ऋषि, जब दोपहर के बाद सब पांडव लोग भजन करके विश्राम करें। दुर्वास ऋषि बोले ऐसे ही होगा। देखो दुर्वास ऋषि क्या की दोपहर के समय जिस समय द्रौपदी आदि समस्त पांडव लोग भजन करके जो है विश्राम कर रहे थे, उस समय दुर्वास ऋषि कितने शिष्य के लेकर के आ गए, 60,000, हम लोग यहाँ पर 60 व्यक्ति है, 60,000 शिष्य लेकर के आ गए। आप लोग जानते हैं दुर्वास ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है, दुर्वास ऋषि आकर के कहने लगे युधिष्ठिर मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो, मैं जल्दी जल्दी अभी स्नान करके आता हूँ। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के लिए, द्रौपदी अभी महाज्ञानी महाक्रोधी दुर्वास ऋषि आगे भजन की कुछ व्यवस्था है, बोले कुछ रखा ही नहीं गया, सब हम भी भजन करके, मेरे पास जो एक बटलोई था, द्रौपदी के पास एक बटलोई था, बटलोई समझे जिसको अच्छे पात्र खाए, उसके एक विशेष वैशिष्ट था, जब द्रौपदी भोजन करके और उसके जब धो करके पलट देंगे वो कुछ निकाल नहीं सकते, किंतु जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी हजार लाखों करोड़ व्यक्ति आ जाए वो भोजन करा सकती। द्रौपदी कहने लगी अभी तो मैं भोजन भी कर लिया और वो बोतलों की भी धो करके उलट करके रख दिया, अभी क्या होगा,
आज तो हमारी मृत्यु है या देखो दुर्वासा ऋषि के भजन नहीं कराया, दुर्वासा ऋषि क्या करेंगे, श्राप दे देंगे, उनके श्राप भी साधन उनके मुख से जब आज एक ही शब्द निकालते हैं तो छाई भस्म हो जाए। जैसे देखो दुर्वासा अम्बरीश महाराज के पास आ गया और उनके भी मारने के लिए कृतता को प्रकट कर दिया। दुर्वासा का साधन इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहने लगे आज तो हम लोग मरण की मृत्यु छोड़कर कुछ क्या करें। उस समय देखो द्रौपदी ने कहा कि एक ही सहारा गोविंद गोविंद अब तो राजकुमार जी बन। देखो गोविंद पुष्पवान दुर्वासा द्रौपदी ऋषि गोविंद के हाथ उठाकर स्मरण कर गोविंद धाम भजन के उपरांत रुक्मिणी के कक्ष में शयन के विश्राम करने के लिए जा रहे थे और ये काम भवन से वहीं पर टेलीफोन चले, उस समय तो टेलीफोन नहीं था। देखो कैसे वार्ता कैसे चल गए, कोई टेलीफोन कुछ नहीं है। देखो वार्ता वहीं पर चले गए और उस समय द्रौपदी एक कृष्ण कहने लगे हे क्या बोले या रुक्मिणी तुम समझ गए, देखो हमें अभी द्रौपदी के पास जाना है। देखो कृष्ण उस समय जल्दी जल्दी यहाँ पर पधारे काम भवन में जहाँ पर और कहने लगे कृष्ण कहने लगे द्रौपदी मेरे बहुत भूख लग रहे हैं। द्रौपदी रोते रहते कहने लगे हे प्रभु कृष्ण मुझे ऐसे रख दे समृद्ध ना करें। अभी दुर्वासा ऋषि 60,000 ऋषि लोग लेकर के 60,000 शिष्य लेकर के आए हैं, उनके कैसे भोजन का कल कृष्ण तब समय द्रौपदी कहने लगे सखी चिंता मत करो मुझे एक ग्लास पानी और तुम्हारी बटली तो द्रौपदी कहने लगे बटली तो मैं पहली धोकर उसको तेल लेकर के आओ। देखा क्या वो बटली के नीचे के तरफ जो है थोड़ा साग जो है साग ना स्पिनाच थोड़ी सी साग लगा हुआ था। कृष्ण ऐसे उंगली से नाखून से उठाया और एक ग्लास पानी पी लिया करे तृप्तोश्री मैं तुष्टे और देखो वहीं पर दुर्वासा ऋषि स्नान करके जाए मंत्र जप करने लगे, उनके सारे शिष्य कहने लगे गुरुदेव हम लोग के पेट तो भर गया पता नहीं क्या हो गया डकार भी आ गया डकार आ गया यहाँ पर भी बोले केवले वो खाने के लिए भी जगह नहीं है हजमला हजमला खाने की पाप ही नहीं है। अब ना जाने द्रौपदी क्या क्या बनाई बोले हमारे वो डकार आ रही। दुर्वासा ऋषि वाले हाँ हाँ मुझे भी ऐसे ही हो रहा है मेरे पता नहीं पेट कैसे फूल गया और कैसे डकार भी आ गया। इतने समय भगवान कृष्ण भीम के बोले भीम तुम जाओ दुर्वासा ऋषि उनके शिष्य के सब पकड़ करके ले आओ भजन प्रस्तुत हो गया। देखो भीम ने क्या कैसे गदा लेकर के चल पड़े अरे ऋषि क्या बोला जिसके पास गदा है। दुर्वासा ऋषि जानते हैं देखो भीम के पास जो गदा है वो कि साधारण गदा है चकनाचूर कर देंगे। दुर्वासा ऋषि क्या किया कि शिष्य लोग कहने लगे गुरुदेव हम क्या करें सारे शिष्य लोग भाग गए और दुर्वासा ऋषि क्या करने लगे दुर्वासा ऋषि बोले हमें तो ऐसे पेट फूल गया पीछे से हवा निकल गई दुर्वासा ऋषि क्या की बात जोग बल से ये समस्त लीला के स्थान है। देखो ये कोई साधारण स्थान नहीं है हम लोग वहीं पर जाएंगे ना कहाँ पर कामेश्वर महादेव हम कामेश्वर महादेव नहीं जाएंगे हम लोग बहुत दूर जाना ना। आज हम लोग दो विशेष स्थल को जाना है एक है केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना इसलिए समय हम नष्ट नहीं करेंगे। वृंदादेवी ऐसे कार्य वृंदादेवी जाएंगे इसके बाद विमला कुंड होते हुए हम लोग बद्री केदारनाथ के स्थान पर स्नान करेंगे क्योंकि हमारे पास उतने समय नहीं है यही करते करते 4 बज जाएगा भैया समझ में नहीं है इसलिए
आप लोग सब लाइन करके बैठ जाइए, हमारे पास जो तुलसी पत्ता है वो तुलसी पत्ता सबको खिला देंगे। ये कोई साधारण नहीं, द्रौपदी के भंडार है। देखो हमारे द्रौपदी देवी यहाँ पर बैठे, ये गोपाल द्रौपदी। हाँ सब लाइन करके प्लीज मेक द लाइन, और सब लोग बैठ जाओ। और ये आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर कथा है, महाराज ने बहुत कथा बताया। और वो जाएंगे, हाँ उधर जाएंगे किशोर पहाड़ी महाराज जी चोट। हाँ जब जब नहीं फिसलोगे ना, अगले जन्म में देखो संसार में फिसलते रहोगे, गोविंद के लीलास तल में फिसल जाओ तो चारित्र में गोविंद धाम में चले जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी सखी लोग फिसल पहाड़ में। हाँ एक विशेष अनुरोध है, आप लोग ऊपर न ऊपर न चढ़े, वो गुमासुर के गुफा पर मत जाइएगा, मत जाइएगा, किंतु हमें समय संक्षेप है, जो रहेगा हम उसको लिए दायित्व नहीं रहेंगे। बोलो वृंदावन।